Welcome everybody to our other class on the Teacher on Demand series. This lecture series will be on electrophoresis. It will be done in two parts. पहले पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा कि बेसिक इलेक्ट्रोफोरेसिस का कॉन्सेप्ट क्या है और किस किस्म के इलेक्ट्रोफोरेसिस होते हैं. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस. अगले वीडियो में मैं सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस और डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में डिस्कस करूंगा. नाउ लेट्स गेट इनटू द टॉपिक. व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस. अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड में पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के बीच में अगर आप चार्ज करते हैं और कोई भी चार्ज पार्टिकल को बीच में छोड़ देते हैं तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ये पार्टिकल्स मूव होंगे. जो पॉजिटिव पार्टिकल है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर भागेगा और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर भागेगा. तो कुछ देर के बाद आप चेक करेंगे तो जो पार्टिकल्स एक दूसरे के सामने आमने सामने थे वो सेपरेट हो जाएंगे. नाउ कंडीशन टू, अगर मेरे पास दो पार्टिकल्स हैं जो कि एक ही साइज के हैं लेकिन इन पार्टिकल का चार्जेस अलग हैं, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम सब्जेक्ट करते हैं कुछ देर के लिए तो माइग्रेशन होगा. क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर भागेगा, लेकिन जिस पार्टिकल में चार्ज ज़्यादा है वो ज़्यादा तेज़ी से भागेगा और जिसमें चार्ज कम है वो कम तेज़ी से भागेगा. तो कुछ देर के बाद अगर हम चेक करेंगे तो ये दोनों पार्टिकल्स सेपरेट हो चुके होंगे. सिचुएशन थ्री, अगर मेरे पास दो पार्टिकल्स हैं जिनका चार्ज बराबर है लेकिन एक का मास, एक का साइज दूसरे से बहुत ज़्यादा है. तो चार्ज तो बराबर है लेकिन इनका मास अलग अलग है, तो जाहिर है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में माइग्रेशन तो होगा, लेकिन जिसका मास कम है वो जिसका मास ज़्यादा है उससे ज़्यादा तौर पे ज़्यादा तेज़ी से माइग्रेट होगा. तो सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज टू मास रेशियो इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस. सेपरेशन दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी से होता है, एक पार्टिकल में कितना चार्ज है, दूसरा पार्टिकल का मास कितना है. इन दोनों को मिलाकर सेपरेशन होता है और मॉलिक्यूल्स को करंट के फील्ड में सेपरेट करने का प्रोसेस को इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं. सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज टू मास रेशियो इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस. नाउ विच मॉलिक्यूल्स कैन बी सेपरेटेड बाय दिस. जनरली प्रोटीन्स को हम चार्ज कर सकते हैं, तो प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है. प्रोटीन्स चाहे सीरम प्रोटीन हो चाहे हीमोग्लोबिन हो, दोनों प्रोटीन्स हैं, दोनों चार्ज हो सकते हैं, दोनों को सेपरेट किया जा सकता है. डीएनए मॉलिक्यूल्स को भी चार्ज करके सेपरेट कर सकते हैं. तो जनरली इलेक्ट्रोफोरेसिस क्लिनिकल मेडिसिन में इन दो चीज़ों के लिए करते हैं. नाउ हाउ डू वी चार्ज दीज पार्टिकल्स. पार्टिकल्स को चार्ज करने के लिए हमें एक बफर की ज़रूरत होती है. आप लोग जानते हैं बफर का पीएच होता है और पीएच को हम किसी भी पीएच पे सेट कर सकते हैं. प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स और एट अ गिवन पीएच, किसी भी पीएच में कुछ अमाइनो एसिड्स पॉजिटिव होते हैं और कुछ अमाइनो एसिड्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं. तो एक गिवन पीएच में सारे प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, उस पीएच में डिफरेंट अमाइनो एसिड्स पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज होंगे, तो प्रोटीन का नेट चार्ज जो होगा इन पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स और नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स का सम होगा. तो नॉट ओनली द पीएच ऑफ द बफर अफेक्ट द चार्ज ऑफ द प्रोटीन्स, इट विल ऑल्सो अफेक्ट द शेप ऑफ द प्रोटीन्स. नाउ ये एक प्रोटीन है, जब पीएच चेंज हो जाता है तो ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है, और स्ट्रक्चर चेंज होने से ये जो अमाइनो एसिड्स जो अंदर हैं अभी बाहर आने लग गए. ये अमाइनो एसिड्स जो अंदर था वो बाहर आने लग गया, तो इन अमाइनो एसिड्स का चार्ज होगा और प्रोटीन का शेप हो गया, शेप भी चेंज हो जाता है. तो जैसे जैसे पीएच चेंज होता है तो दो चीज़ें चेंज होती है, एक तो उस प्रोटीन का चार्ज कितना है और दूसरा उस प्रोटीन का शेप कितना है. क्या चेंज नहीं होता है, प्रोटीन का मास चेंज नहीं होता है. तो अगर मैं डिफरेंट पीएच में इलेक्ट्रोफोरेसिस करूँगा तो उसी प्रोटीन का मास तो वही रहेगा लेकिन उसका शेप भी चेंज हो जाएगा, उसका चार्ज भी चेंज हो जाएगा. एक शब्द है जिसको हम आइसो इलेक्ट्रिक पीएच कहते हैं. मैंने पहले ये बताया था कि जैसे जैसे पीएच चेंज होता है अमाइनो एसिड्स का चार्ज चेंज होता है, कुछ कुछ अमाइनो एसिड्स पॉजिटिव होता जाता है, कुछ अमाइनो एसिड्स का चार्ज नेगेटिव होता है,
और उस प्रोटीन का नेट चार्ज जो है सम ऑफ टोटल पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स एंड टोटल नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स। एक ऐसा पीएच आता है जहाँ पे नेट पॉजिटिव और नेट नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स बराबर होते हैं और इस स्टेज में प्रोटीन का कोई चार्ज नहीं होता है। इस पॉइंट को हम आइसो इलेक्ट्रिक पीएच कहते हैं, आइसो सिमिलर इलेक्ट्रिक करेंट पीएच। जो पीएच में प्रोटीन्स का नेट पॉजिटिव अमाइनो एसिड्स का नेट पॉजिटिव और नेट नेगेटिव चार्ज बराबर हो जाए उस पीएच को हम आइसो इलेक्ट्रिक पीएच कहते हैं। हर एक प्रोटीन का अपना एक आइसो इलेक्ट्रिक पीएच होता है। अगर हम पीएच को आइसो इलेक्ट्रिक पीएच से कम करेंगे तो प्रोटीन्स पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, मतलब एसिडिक मीडियम में धीरे धीरे करके प्रोटीन्स पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और अगर आइसोइलेक्ट्रिक पीएच से पीएच को थोड़ा बढ़ाते हैं, अल्कलाइन के साइड ले जाते हैं, तो प्रोटीन्स जो है नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और आइसोइलेक्ट्रिक पीएच से जितना दूर हमारा बफर का पीएच है उतना उस प्रोटीन का चार्ज बढ़ेगा। मान के चलो अगर कोई भी प्रोटीन का आइसोइलेक्ट्रिक पीएच 5.5 है, तो अगर पीएच मेरा बफर का 4.4 है तो इस प्रोटीन का चार्ज +1 हो जाएगा, और अगर मेरा पीएच 3.5 है तो इस प्रोटीन का चार्ज +3 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर 5.5 से मैंने पीएच का बफर का पीएच का 6.5 पे सेट किया तो प्रोटीन का चार्ज -1 हो जाएगा, और अगर 7.5 या 8.5 पे सेट कर दिया तो इस प्रोटीन यही प्रोटीन इसका चार्ज करीब -3 भी हो सकता है। तो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच से जितना ज़्यादा मेरा बफर का पीएच डिफरेंट है उतना ज़्यादा चार्ज उस प्रोटीन का बढ़ेगा। अगर आइसोइलेक्ट्रिक पीएच से नीचे पीएच है तो पॉजिटिवली चार्ज, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच से ऊपर है तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। शुरुआत में जब इलेक्ट्रोफोरेसिस किया था तो उसको मूविंग बाउंड इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते थे। उसके बाद हमने पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस स्टार्ट किया। पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस से एक स्टेप बेहतर है सेल्युलोज एसीटेट इलेक्ट्रोफोरेसिस, फिर एगरोज इलेक्ट्रोफोरेसिस, पॉली एक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये जेल में करते हैं एगरोज इलेक्ट्रोफोरेसिस और पॉली एक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये जेल में करते हैं। पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस और सेल्युलोज एसीटेट इलेक्ट्रोफोरेसिस पेपर में करते हैं। कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस और मूविंग बाउंड इलेक्ट्रोफोरेसिस एक कैपिलरी ट्यूब में करते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड मूविंग बाउंड इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये शुरुआत में की गई थी, इसमें एक यू ट्यूब लिया गया था जिसमें सीरम पूरा डाल के फिर इस सीरम में करंट पास करते हैं। करंट पास करने से सारे पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स अलाइन हो जाते थे, और क्योंकि सारे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन्स एक जगह पे एकत्रित होता था तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता था। सो यू कुड सी वेरियस बैंड्स एल्ब्यूमिन के, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा, गामा, इन सब का अलग अलग से बैंड्स दिखता था जिससे अंदाज लगाया जा सकता था कि इस पेशेंट का कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या था इस इलेक्ट्रोफोरेसिस में, एक तो सीरम की मात्रा रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा थी, और दूसरा जैसे ही हम करंट बंद करते थे पूरा मिक्स हो जाता था, जिसके कारण हम बाद में अगर कोई इमेज चाहिए या कोई रिकॉर्ड चाहिए वो क्रिएट नहीं कर सकते थे, और इसका रेजोल्यूशन, इसका एबिलिटी टू डायग्नोस काफ़ी कम था। प्रॉब्लम ये था कि जैसे ही करंट बंद करो तो पूरा वापस सॉल्यूशन में मिक्स हो जाता था, जिसके कारण हम रिकॉर्ड कीप नहीं कर पाते थे। तो फिर लोगों ने ट्राई किया कि क्यों नहीं पेपर में इलेक्ट्रोफोरेसिस करें। तो सैंपल को इस पेपर में डाल के फिर इसको इलेक्ट्रिसिटी के साथ सब्जेक्ट करते थे, तो पार्टिकल्स जो है इस पेपर में माइग्रेट कर जाता था, और जैसे ही हमने करंट निकाला तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे में मिलते नहीं थे, पेपर के साथ चिपक जाते थे, इसीलिए सेपरेशन भी हो जाता था और करंट निकालने के बाद भी वो सेपरेशन बरकरार रहता था। ये एक अमाइनो एसिड का इलेक्ट्रोफोरेसिस है जहाँ पे आप अलग अलग बैंड्स देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये जो सेपरेशन हुआ है ठीक तो हुआ है लेकिन उतना क्लियर नहीं है। सो द प्रॉब्लम विद पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस वाज सेपरेशन तो हो जाता था, रिकॉर्ड्स भी रह जाते थे, लेकिन क्लैरिटी उसमें कम था। नाउ व्हाट इज पेपर? पेपर इज सेल्युलोज।
सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें बहुत सारे OH ग्रुप्स हैं। आप जानते हैं कि OH ग्रुप बफर में नेगेटिवली चार्ज होता है। जब भी कोई पार्टिकल माइग्रेट करता था, ये OH पार्टिकल्स उसके साथ इंटरैक्ट करके इलेक्ट्रोफोरोसिस के सेपरेशन को डिले कर देते थे। इसके कारण पेपर इलेक्ट्रोफोरोसिस में जो टाइम लगता था सेपरेशन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा होता था, और दूसरा बैंड का रेजोल्यूशन या बैंड का शार्पनेस जो है उतना क्लीन नहीं होता था। क्यों? क्योंकि ये OH मॉलिक्यूल्स जो भी प्रोटीन पार्टिकल सेपरेट हो रहे थे उसके साथ इंटरैक्ट करके उसका स्पीड को कम कर देते थे। सो अगर ये OH ग्रुप को हम न्यूट्रलाइज कर दें, अगर ये OH ग्रुप को मास्क कर दें, तो ये सेल्युलोज पेपर में इलेक्ट्रोफोरेसिस करना और भी आसान और बेहतर हो सकता था। मास्किंग कैसे करते थे? सेल्युलोज पेपर को एसिटिक एसिड के साथ अगर रिएक्ट किया तो सेल्युलोज एसिटेट बनता था। नाउ दिस इज सेल्युलोज एसिटेट। ध्यान से देखेंगे तो ये OH ग्रुप के में रिप्लेस हो गया ये एसिटिक एसिड ग्रुप से। तो ऑल दी OH ग्रुप्स हैव रिप्लेस्ड विद एसिटेट। एसिटेट जो है न्यूट्रल है और किसी भी प्रोटीन के साथ रिएक्ट नहीं करता था। तो इस टाइप ऑफ पेपर जो सेल्युलोज है उसको एसिटेट के साथ ट्रीट करने से सेल्युलोज एसिटेट बन गया। सेल्युलोज एसिटेट में ये जो OH ग्रुप है वो मास्क हो गया। इसके कारण इलेक्ट्रोफोरोसिस जो है अच्छा होता था, जल्दी हो जाता था और रेजोल्यूशंस भी अच्छे होते हैं। सो दिस इज़ ए क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ अ सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरोसिस डन ऑन सेल्युलोज एसिटेट पेपर। आप देख सकते हैं कि पेपर का साइज़ कितना छोटा है और आप देख सकते हैं कि जो रेजोल्यूशंस और बैंड जो हैं कितना क्लियर आए हैं। वाई? बिकॉज जो OH ग्रुप का इंटरेक्शन सेल्युलोज के साथ था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि हमने इसको एसिटेट के साथ ट्रीट किया है। सो दिस इज सेल्युलोज एसिटेट पेपर। नाउ इसके साथ इम्प्रूवमेंट था एगरोज जेल का। एगरोज एक सीवीड है, उसको बफर के साथ मिलाकर हीट करने से लिक्विड बन जाता था। लिक्विड को स्लाइड में हम लोग स्प्रेड कर देते हैं और कुछ देर के बाद ये इस टाइप का जेल बन जाता है। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट अ जेल इज जेल में पोर साइज होते हैं। अभी तक जो हमने बात किया था इलेक्ट्रोफोरोसिस का, इसमें हम दो फैक्टर्स यूज़ करते थे, एक फैक्टर था चार्ज, एक फैक्टर था मास। अब उसको एक और स्टेप आगे ले जाने के लिए ये पोर साइज भी कर दिया, जो कि साइज के साथ सेपरेशन करता है। एक तरह का छन्नी है जिसमें छोटे मॉलिक्यूल्स जो है आसानी से भाग जाते हैं और बड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं धीरे धीरे करके ट्रैवल करते हैं। तो व्हेन आई गो टू अ जेल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोरोसिस, चार्ज, मास और साइज, तीन फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। सेल्युलोज एसिटेट और सेल्युलोज इलेक्ट्रोफोरोसिस में सिर्फ साइज और मास की गिनती होती है। जेल में साइज, मास और चार्ज, ये तीनों चीज़ का इफेक्ट होता है। नाउ इसमें अगर आप देखेंगे तो वही प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरोसिस है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ बैंड्स ज़्यादा हो गया, क्लैरिटी ज़्यादा हो गया और इसका रेजोल्यूशन काफ़ी अच्छा है। दिस इज एगरोज इलेक्ट्रोफोरोसिस। नाउ एगरोज में एक प्रॉब्लम ये था कि जेल तो बन जाता है, पोर तो बन जाता है, लेकिन पोर साइज़ के ऊपर कि किस साइज़ की छन्नी हो उसमें ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहता था हम लोगों के पास। पॉलीएक्रिलामाइड जेल एक ऐसा जेल है जिसको एक्रिलामाइड और बिसएक्रिलामाइड की जोड़ी से मिलाकर करते हैं। नाउ एक्रिलामाइड और बिसएक्रिलामाइड दो अलग अलग रिएजेंट्स हैं। एक का मात्रा ज़्यादा बढ़ाओ, एक का मात्रा कम बढ़ाओ तो जेल बनता है और उसका पोर साइज जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ज़्यादा एक्रिलामाइड लिया तो पोर साइज कम हो जाएगा, अगर ज़्यादा बिस एक्रिलामाइड ले लिया तो पोर साइज ज़्यादा हो जाएगा। दोनों के कॉम्बिनेशन से हम जेल का पोर ऐसा बना सकते हैं जो हम चाहते हैं। एगरोज में ये कंट्रोल नहीं था, पॉलीएक्रिलामाइड जेल में ये कंट्रोल है, और इसके कारण जो ये एक टिपिकल पॉलीएक्रिलामाइड जेल है जिसमें सैंपल को यहाँ पे लोड किया गया है, इस इलेक्ट्रोफोरोसिस में जो रेजोल्यूशंस है, जो नंबर ऑफ बैंड्स है, वो
एगरोज बैंड से बहुत ज़्यादा आ जाता है और काफ़ी क्लैरिटी है इसमें. सो अनदर एडवांस स्टेज ऑफ इलेक्ट्रोफोरोसिस इज पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस. नाउ देर आर टू मोर टेक्निक्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरोसिस जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. एक तो सबमर्ज इलेक्ट्रोफोरोसिस है, ये एक एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस है. लेकिन इसमें क्या करते हैं कि एगरोज जेल बनाने के बाद यहाँ पे वेल्स है, इस वेल्स पे हम सैंपल को लोड करते हैं. इलेक्ट्रोफोरोसिस चेंबर में जेल डालने के बाद उसको पूरी तरह से बफर से भर देते हैं. अगर आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा बफर भरा हुआ है और यह जेल बफर के अंदर है. फिर ये सैंपल जो है बफर के अंदर जाके सैंपल को लोड करते हैं. ये सैंपल बफर के अंदर इस वेल में लोडेड है और सैंपल जो है इस जेल के अंदर रन करता है. दिस इज़ अ काइंड ऑफ सबमर्ज इलेक्ट्रोफोरोसिस. जब मैं डीएनए इलेक्ट्रोफोरोसिस का लेक्चर लूँगा इसके बारे में और भी डिस्क्राइब करूँगा. Another type of electrophoresis that you need to know is called a two-dimension electrophoresis. ये generally research level पे है. इसमें हम पहले proteins को लेकर एक dimension में electrophoresis करते हैं, उसके बाद direction को change करके, buffer को change करके दूसरे direction में electrophoresis करते हैं. तो आपने protein electrophoresis में देखा होगा कि single single bands आते थे. इस टू डायमेंशन इलेक्ट्रोफोरोसिस में आपको बैंड्स नज़र नहीं आएंगे, इस किस्म के डॉट्स नज़र आएंगे. दिस इज़ यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग न्यू टाइप्स ऑफ कैंसर्स और न्यू टाइप्स ऑफ मार्कर. ये अभी भी रिसर्च में है, क्लिनिकल प्रैक्टिस में ज़्यादा हुआ नहीं है. मेन चीज ऑफ टू डायमेंशन इलेक्ट्रोफोरोसिस, पहले एक एक्सिस में इलेक्ट्रोफोरोसिस होता है, उसके बाद बफर को चेंज करते हैं और दूसरे एक्सिस में इलेक्ट्रोफोरोसिस करते हैं. तो टू डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरोसिस. द लास्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोरोसिस जो कि लेटेस्ट टेक्निक है, इसको हम कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरोसिस कहते हैं. अगर याद है आपको जब मैं मूविंग बाउंड इलेक्ट्रोफोरोसिस की बात कर रहा था तो उसमें भी मैंने एक यूट्यूब का इलेक्ट्रोफोरोसिस के बारे में बात किया था. उसमें मैंने ये बोला था कि करंट पास करने के बाद बैंड्स तो सेपरेट हो जाते हैं लेकिन उसको क्वांटिफाई करना और उसका रिकॉर्ड रखना पॉसिबल नहीं था. और ये भी मैंने बोला था कि उसमें जो सैम्पल का वॉल्यूम चाहिए था काफ़ी ज़्यादा चाहिए था. कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरोसिस वही पुराना टेक्निक को यूज़ करता है लेकिन इसमें काफ़ी थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस हैं. क्या मॉडिफिकेशंस हैं? एक तो हम बहुत हाई करंट यूज़ करते हैं. बहुत हाई करंट यूज़ करने से जो इलेक्ट्रोफोरोसिस का रन टाइम है काफ़ी कम हो जाता है. दैट्स द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. दूसरा चीज़, यहाँ पे एक डिटेक्टर सिस्टम रखते हैं. जैसे ही सैंपल लोड किया और सैंपल का इलेक्ट्रोफोरोसिस किया तो जो पार्टिकल जो बैंड्स बनते हैं इस डिटेक्टिंग जोन से जाएगा और क्योंकि वहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है ये डिटेक्टर उस चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिटेक्ट कर लेता है और उसके बाद इस किस्म का एक ग्राफ बना देता है. तो जैसे जैसे एल्ब्यूमिन का पीक किया वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ तो इस टाइप का पीक आया. फिर जब अल्फा वन अल्फा टू बैंड्स गए तो उस तरह से पीक्स बनने लगे और इस टाइप का एक रिकॉर्ड दे देता है जिसको हम इलेक्ट्रोफोरोग्राम कहते हैं. ये एक परमानेंट रिकॉर्ड है और ये रिकॉर्ड से हमें पता चलता है कि एक सैंपल में कौन कौन से बैंड्स थे और उसका एरिया भी कैलकुलेट करके उस बैंड का कॉन्सेंट्रेशन भी हम निकाल सकते हैं. तो दिस इज द लेटेस्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोरोसिस. इसमें एडवांटेज क्या है, इसमें क्या क्या है? एक तो यूट्यूब है, उसको हाई वोल्टेज के साथ करते हैं, उसका चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्ट करते हैं, उसका रिकॉर्ड बनता है और ये रन टाइम जो है इलेक्ट्रोफोरोटिक सेपरेशन करने का टाइम मात्र एक या दो मिनट के अंदर हो जाता है. सो दिस इज द लेटेस्ट टेक्निक फॉर इलेक्ट्रोफोरोसिस. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माई लेक्चर. पार्ट टू ऑफ दिस सीरीज विल बी इलेक्ट्रोफोरोसिस, सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरोसिस, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरोसिस एंड डीएनए इलेक्ट्रोफोरोसिस. Thank you. Keep watching.